कभी कभी मालूम लोगों के क्वेश्चंस बहुत अजीब अजीब से होते हैं। लोगों का ये क्वेश्चन पूछना कि जब भी आप रेबीज वैक्सीन लगवाते हो तो 037 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आपने क्यों 037 फॉर्मुलेट किया? आप 010 20 लगवाते, आप 015 30 लगवाते, भाई 037 का क्या कॉन्सेप्ट है? तो यहां पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखें आप जरा, रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 week to 1 year, दैट इज 7 days से लेकर 365 days के बीच में रेबीज कभी भी मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर एनिमल बाइट, खासकर डॉग बाइट या कैट बाइट, मंकी बाइट, जैकल, फॉक्स, उल्फ बाइट अगर हुआ है तो। अब यहां पे आप देखें इस बात को कि रेबीज वैक्सीन को जितनी जल्दी आप लगवा लें, अगर रेबीज एक बार मैनिफेस्ट कर गया, दैट इज ट्रेवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एक बार पहुंच गया, रेबीज मैनिफेस्ट कर गया, तो यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने जा रहा है। फिर तो यहाँ पे कहानी को खत्म ही होना है एंड मुलाकात सीधे ऊपर ही होनी है। तो यहाँ पे जब तक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो रेबीज मैनिफेस्टेशन होता है, इस बीच में अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो फिर आपको रेबीज होने का डर नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% ये प्रोटेक्ट करता है आपको फ्रॉम रेबीज। तो अब आप देखें, 7 दिन के बाद किसी भी दिन रेबीज मैनिफेस्ट कर सकता है आप में, लेकिन यही 7 डेज बहुत क्रूशियल है। इस 7 दिन के अंदर अगर आपने ये 3 वैक्सीन लगवा लिया, day 0 पे, day 3 पे एंड day 7 पे, तो आपको फिर रेबीज नहीं होगा। इसलिए ये 037 इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको लगवाना ही लगवाना है। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन आपको एनिमल बाइट हुआ है, एज सून एज पॉसिबल, अगर category 2 है तो ARV जाकर ले लें, और अगर category 3 है तो HRIG भी लें ARV के साथ साथ, ताकि 7 डेज के अंदर आपका बचावा हो सके। तो ये था कुल मिलाकर रीजन बिहाइंड 037 इन रेबीज। अब आप जब 037 लगा लिए हो, रेबीज से आप बच गए हो, तो फिर लोगों का कहना है कि भाई फिर हम 14 क्यों लगाएं इंट्रामस्कुलर में, या day 28 क्यों लगाएं इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल में। देखो आप, ये था आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन फ्रॉम रेबीज, जो इमीडिएट आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेबीज वायरस, लेकिन आप day 14 पे एंड day 28 पे से लगाते हो ताकि ये आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट भी करे। एंड पता है, अगर आपने एक बार फुल कोर्स लगवा लिया तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टेड हो जाती है कि आपके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज करीब 5 साल से 21 साल तक मिलता है। तो आप 5 ईयर्स से लेकर 21 साल तक, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप प्रोटेक्टेड रहते हो फ्रॉम रेबीज इन्फेक्शन। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जब री एक्सपोजर होगा तो 2 डोज आपको फिर वहां लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम रेबीज इंफेक्शन। आशा करता हूं ये 037 का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हुआ है, पसंद आया है, तभी ये लाइक का बटन दबाएं, शेयर करना ना भूलें अपने जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड सब्सक्राइब नहीं भी किया हमारे चैनल को आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। नीचे ये जो रेड बटन है, जस्ट इसको प्रेस करना है एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम एंड डे टू डे ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। Thank you.